मासिक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पास हो चुका है और लागू हो चुका है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक रूप से प्रताड़ित जो हमारे भाई बंधु हैं, उन सब की प्रताड़ना को ध्यान में रखते हुए और उसके साथ साथ पिछले 1947 के बाद से लेकर के आज तक तकरीबन सभी राजनीतिक दलों के द्वारा भारतवर्ष के विभिन्न फोरम्स पर, विभिन्न समयकालों में और पार्लियामेंट में भी सभी पार्टियों द्वारा ये मांग उठाई गई थी कि धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यक जो इन तीनों देशों में रहते हैं, उनके प्रति भारतवर्ष का व्यवहार सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, सद्भावनापूर्ण होना चाहिए और उनको अपने यहाँ बसाने के लिए यत्न किए जाने चाहिए। उन सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कांग्रेस की भी चिंता थी 2003 में, उस वक्त के विपक्ष के नेता मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में ये आग्रह किया था, अडवाणी जी, माननीय अडवाणी जी उस वक्त उप प्रधानमंत्री थे, नजमा हेपतुल्ला जी उस वक्त चेयरपर्सन थी राज्यसभा की, कि इन धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतवर्ष में लाने के लिए और इनको पुनः बसाने के लिए यत्न किए जाने चाहिए। उन सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भारतवर्ष की इस वक्त की सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया है, लेकिन राष्ट्रवादी समाज के लिए ये बड़ा चिंता का विषय है कि जब सबके आग्रह पर और उस प्रताड़ित समाज की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए संख्या बल से ये अधिनियम पारित हुआ, लागू हुआ, तो क्यों इस पर एक इस तरह की राजनीति की जा रही है कि लोगों को बहका करके, उसका सही रूप जनता में पेश ना करके, उसका गलत रूप जनता में पेश करके कुछ लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है और समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस स्थिति में एक राष्ट्रवादी संस्था होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते, हम सबका कर्तव्य है कि समाज में इस विषय को गंभीरता के साथ ले जाते हुए नागरिकता अधिनियम संशोधन के विषय में पूरी जानकारी पूरे समाज में जाए और इसके कानूनी पहलू भी पूरे समाज में जाएं, जिससे कि सबको ये आभास हो कि ये बिल, ये संशोधन किसी भी समुदाय या व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, सिर्फ जो लोग प्रताड़ित हैं उनको आश्रय देने के लिए ये बिल बनाया गया है। इन भ्रांतियों को खत्म करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक सामाजिक जन जागरण के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिसके तहत छोटी और बड़ी गोष्ठियाँ, सभाएं और बैठकें करके लोगों को इसके विषय में जानकारी दी जाएगी और इसी सिलसिले को चलाते हुए एक बड़ी सभा रविवार को 11 बजे श्री कैलखनाथ जी मंदिर ठठर बनतलाब में की जाएगी, जिसमें समाज के प्रबुद्ध वर्गों के सभी लोग, ओपिनियन मेकर्स, समाज का एक बड़ा वर्ग और उन सब को इस विषय की टेक्निकल, सामाजिक, सोशल पूरी जानकारी देने के लिए दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन हैं डॉक्टर संबित पात्रा, जो इस विषय के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और जिनके लेक्चर्स और जिनके संबोधन इस विषय के ऊपर चल रहे हैं, और वो टेक्निकली सबको अवेयर करने के लिए और इन सब चीज़ों के विषय में सवाल जवाब उनको भी देने के लिए, ताकि जम्मू के समाज को इस विषय की क्लैरिटी हो और जम्मू का समाज उस ऐसी किसी गलत दुष्प्रचार में ना फंसे, उससे रोकने के लिए जम्मू वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद उस सारे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रही है।
हमारे उपाध्यक्ष श्रीमान शक्तिदत्त शर्मा जी उस कार्यक्रम के संयोजक हैं और बाबा कैलकनाथ जी मंदिर में पूरे समाज को हमारा आग्रह है, जम्मू के समाज को, कि आइए और इस विषय पर जो सही धारणा है, जो उसकी सही एक्सप्लेनेशन है, उसको सुने और किसी भी गलत अराजक तत्व की बातों में ना आए, इसको लेकर के ये आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद।